हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? आप सबका TSL पे हार्दिक स्वागत है। यह साथियों, TSL के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। जल्दी जुड़िए क्लास के साथ। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, जल्दी क्लास के साथ जुड़िए और अपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार कीजिए। यस, जल्दी जुड़िए। जो लोग मुझे यहाँ से देख पा रहे हैं, उन सबका वापस से TSL में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका फिल्म फायर अवार्ड है। क्या है? फिल्म फायर अवार्ड है कि कौन कौन सी ईयर के अंदर है, कौन कौन से फिल्म ईयर अवार्ड दिए गए, सबसे पहले कब स्टार्ट किए गए और सबसे लास्ट वह कौन से नंबर का था और इससे पहले कौन से नंबर का दिया गया। तो सारी चीजों पर हम आगे धीरे धीरे बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें रहने वाली हैं इस क्लास के अंदर। यस, पहली बात करने वाले हैं कि 2023 के अंदर या 2024 के अंदर सबसे पहले कौन से नंबर का पुरस्कार दिया गया आपका, कौन सा। तो आपको सारी चीजें इस क्लास के अंदर पता चलने वाली हैं। ये कौन कौन से ऐसे अभिनेता हैं जिनको 2024 के अंदर आपके अवार्ड मिले हैं, आज अपन इस क्लास में थ्योरी में पढ़ेंगे और जो अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन इसके MCQ करेंगे। यस, तो क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपका कौन कौन से ऐसे अभिनेता हैं, जिनको अभिनेत्री हैं, जिनको 2024 के अंदर आपके अवार्ड मिले हैं। तो साथियों बता देते हैं अवार्ड की कि ये 70वां है। कौन सा है? 70 फिल्म फेयर अवार्ड है जो कि आपके 2024 में दिए गए हैं, और जो 69 वाले हैं जो कि आपके 2023 में दिए गए थे। यस, अब बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से अभिनेता हैं, ऐसे ऐसी कौन कौन सी अभिनेत्रियां हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से आपके डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये अवार्ड्स हासिल किए हैं। तो सभी पे बात करने वाले साथियों, मैं आपके साथ हूँ मनीष। तो आगे बात करते हैं कैसे कैसे चीजों कनेक्ट करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जल्दी जुड़िए ताकि सेशन को आगे स्टार्ट कर सके। अरे करें क्या, चलो आगे बात करने वाले हैं पहले पे कि पहला क्या रहने वाला है। तो अपना बात क्या है, से जो 69 से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले अवार्ड कब दिया गया। तो सबसे पहले की बात करते हैं तो आपका दिया गया 1954 के अंदर। कब दिया गया? 1954 के अंदर। और क्या बातें रहेंगी, सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं कि साथियों और क्या बातें रहेंगी। सबसे पहले कब रहा आपका? फर्स्ट टाइम की बात करें, क्या करें? फर्स्ट टाइम की बात, फर्स्ट टाइम की बात करें तो आपका 1954 के अंदर दिया गया। और 1954 के अंदर कहां से दिया गया? तो साथियों ये मूवी का नाम था आपका क्या? इस मूवी की नाम की बात करें तो आपका मूवी का नाम था होनर फिल्म। क्या? होनर मूवी को दिया गया। होनर मूवी को दिया गया कब? 1954 के अंदर। 1954 के अंदर हॉरर मूवी के दिया गया, जो आपकी कौन सी मूवी है? मराठी मूवी है, मराठी मूवी है साथियों। और ये मूवी काफी जो चर्चा में रही है कब? 1954 के अंदर। अब उसके बाद बात करने वाले हैं कि और कौन कौन से अवार्ड हैं जो हमारे आगे दिए गए हैं। तो 2023 के अंदर वाली बात करते हैं। सबसे पहले अगली स्लाइड पर चलते हैं कि 69th नंबर के आपके फिल्म फेयर अवार्ड 69 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड कब दिए गए? तो आपको बताना है ये साथियों कब दिया गया? 2023 के अंदर दिए गए। और क्या चीजें रिलेटेड आने वाली हैं? कौन बेस्ट एक्टर थे, कौन आपके बेस्ट एक्टर्स थी, और कौन आपके बेस्ट डायरेक्टर थे, कौन सी ऐसी मूवी है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो सारी चीजों पे अपन धीरे धीरे बात करने वाले हैं। अरे साथियों बताइए क्लास कैसी लग रही है? अरे कमेंट कीजिए उधर से, क्लास कैसी लग रही है जल्दी मुझे बताइए। तो बात करने वाले 69th वाले पे, तो 2023 में दिया गया। बात फर्स्ट बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं कि बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो आपको बताना क्या है? यस, बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो बेस्ट डायरेक्टर आपको बताना है, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक कर लेंगे कि बेस्ट डायरेक्टर कौन है और बेस्ट आपके अलग अलग कौन कौन से डायरेक्टर रहने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें रहने वाली हैं। तो स्टार्ट करने वाले सेशन को, सब लोग जुड़ जाइए। यस, पहली बात आती है अपनी बेस्ट मूवी से स्टार्ट करते हैं, चीजों को सही से स्टार्ट करने वाले 2023 में दिए गए। पहली बात करते हैं आपकी बेस्ट मूवी या फिर फिल्म।
तो बेस्ट फिल्म की बात करते हैं तो कौन सी मूवी है आपको बताना है साथियों, रॉकेट्री। क्या है? रॉकेट्री द नेम्बी इफेक्ट, फिल्म का नाम है ये रॉकेट्री। रॉकेट्री द नेम्बी इफेक्ट, यस। और क्या चीज रहने वाली है? और इसके अलावा और काफी चीज रहने वाली। जो अगली बात करते हैं कि हमारा जो बेस्ट बेस्ट एक्टर्स कौन है, क्या बेस्ट एक्टर्स की बात करते हैं तो आपको बताना है उल्लू अर्जुन, यस। ये आप क्या रहे हैं, 2023 में इनको अवार्ड दिया गया, कौन सा? ये आपका फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, इनको बेस्ट एक्टर्स के नाम दिया गया है। अब बात करते वाले हैं कि बेस्ट एक्टर्स की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? बेस्ट एक्टर्स। आपको पता है मेल फीमेल दोनों चीजें होती हैं, एक्टर्स बोलते हैं आपके मेल को और एक्टर्स आपके बोलते हैं फीमेल को। तो बेस्ट एक्ट्रेस की जहां बात आती है तो आपको बताना है वहां पे कौन आपके आलिया भट्ट जी हैं। कौन? आलिया भट्ट, यस। अब बात करते हैं कौन सी मूवी के लिए है, तो साथियों मूवी की जब बात आती है तो आपको बताना है आलिया भट्ट जी के बारे में कि ये कौन सी मूवी से रिलेशन बनाती है, यस। ये आपके बताती हैं गगन भाई, क्या है? गगन भाई काटीवाड़ी, ये एक मूवी है। क्या नाम है? गगन भाई काटीवाड़ी। अगली स्लाइड में चलते हैं, क्या रहने वाला है आपका? गगन भाई काटीवाड़ी। अच्छा, किसकी बात करी थी अपन ने? बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। चलो तो आलिया भट्ट की मूवी की बात करते हैं, आलिया भट्ट मूवी की बात करते तो आपको बताना है कौन सी मूवी है, तो मूवी की जहां भी बात आती है आपको बताना है गंगूबाई काटीवाड़ी, गंगूबाई। काटीवाड़ी ये आपकी मूवी है, यस। इसके लिए इनको क्या दिया गया है? बेस्ट एक्टर्स अवार्ड दिया गया है 2023 के अंदर। और क्या रहने वाला है? जो दूसरा आपका नाम है, इनका नाम है कीर्ति सनून। क्या नाम है? कीर्ति सनून। यस, इनको कौन सी मूवी के लिए दिया गया है तो आपको बताना है, इनको भी साथियों दिया गया है मिनी मूवी के लिए। कौन सी? मिनी मूवी के लिए। और आगे चलते हैं, और क्या चीज रहने वाली है कि बेस्ट डायरेक्टर की बात आती है तो कौन रहने वाला आपका, तो बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं, बेस्ट डायरेक्टर। जहां अपन ने पहले बात करी थी तो बेस्ट डायरेक्टर कौन रहने वाले हैं तो आपको बताना है बेस्ट डायरेक्टर के बारे में, वो आपके हैं निखिल महाजन। कौन है? निखिल महाजन। निखिल महाजन जी हैं। और बात करें कि निखिल महाजन जी कौन सी मूवी की बात करें, कौन सी मूवी के डायरेक्टर रहे हैं तो आपको बताना है गोदावरी मूवी। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी फिल्म है ये आपकी। कौन सी है तो आपको बताना है मराठी मूवी है, यस। आगे चले क्या? चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाने वाले, नेक्स्ट स्लाइड क्या रहने वाली, ध्यान से देखना। और क्या चीजें हैं, और क्या क्या चीजें हैं? अगली बात करते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स की। क्या? सपोर्टिंग एक्टर कौन रहने वाला है तो आपको बताना है कि सपोर्टिंग एक्टर आपका कौन है? पंकज त्रिपाठी जी हैं। कौन है? पंकज त्रिपाठी। ये आपके सपोर्टिंग एक्टर हैं। और बात करें कि आपको बताना है सपोर्टिंग जो बेस्ट हिंदी फिल्म है वो कौन सी है, तो बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें, बेस्ट हिंदी फिल्म, हिंदी फिल्म के लिए जो बेस्ट हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है, सॉरी बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है तो आपको बताना है, जो बेस्ट हिंदी फिल्म वो आपकी है उद्धम सिंह। क्या नाम है? सरदार उद्धम सिंह, यस। बेस्ट हिंदी फिल्म आपको ऐसे कर क्या है कि बेस्ट हिंदी फिल्म बताना है तो आपको बताना है सरदार उद्धम सिंह।
ऐसे करके सभी चीजों पे बात कर रहे हैं। यस, अगली और क्या रहने वाली, ये आपका साथी हो 69 नंबर का क्या रह गया है, आपका ये जो अवार्ड है जो कि 2023 के अंदर दिए गए थे। अब बात करने वाले हैं कि 2024 के अंदर कौन ये आपके कौन से नंबर के दिए गए। तो अगली चोरी बात करने वाले हैं 17th नंबर के, जो आपके 2024 के अंदर दिए गए थे, 2024 के अंदर दिए गए थे। और 2024 में कहां से क्या चीजें स्टार्ट हुई, बात करते हैं कि कहां से क्या चीजें स्टार्ट हुई। तो आपको पूछा जाएगा बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में। क्या पूछेगा आपको कि बेस्ट फीचर फिल्म बताइए, तो आपको बताना है बेस्ट फीचर फिल्म। क्या बताओगे, आटम मूवी है। कौन सी? आटम मूवी है। अब आटम मूवी कहां की, तो आपको बताना है मलयालम, ये आपकी मलयालम मूवी है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये साथियों बताइए कि बेस्ट एक्टर कौन है 2024 के, कि बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट एक्टर की बात करें 2024 में कि कौन रहने वाले हैं बेस्ट एक्टर, तो आपको बताना है ऋषभ सेठी। कौन? ऋषभ। यहाँ पे कौन है बेस्ट एक्टर है 2024 को जिनको अवार्ड दिया गया है बेस्ट एक्टर। अब बात करने वाले हैं कि बेस्ट डायरेक्टर, कि बेस्ट डायरेक्टर कौन है 2024 के, क्या बेस्ट डायरेक्टर, तो आपको बताना है बेस्ट डायरेक्टर में कौन है, सूरज बडजाया। कौन है आपके? सूरज बडजाया, ये आपके बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं 2024 में जिनको आपको पुरस्कार मिला है। और कौन सी मूवी के लिए मिला, तो आपको बताना है ऊंचाई मूवी के लिए, ये मूवी का नाम है ऊंचाई। यस, और क्या चीज रहने वाली आगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। और क्या रहने वाला है, और आपका रहने वाला है पूछेगा आपको कि बेस्ट एक्टर कौन है, क्या बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर्स फीमेल्स की बात हो गई है, तो आपको बताना है नित्या मेनन और दूसरा कौन सा है, मानसी पारेख। यस, पहली आपकी एक्टर है नित्या मेनन, तो नित्या मेनन को कौन सी मूवी के लिए पुरस्कार दिया गया, तो आपको बताना है थीरु चित्रांबलम। अरे बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है मूवी का। क्या है साथियों, हिंदी में लिख रहा हूं, थीरु चित्रांबलम, चित्रांबलम ये इस मूवी का नाम है। यस, थीरु चित्रांबलम मूवी का नाम है जिनको बेस्ट एक्टर्स का जवाब दिया गया। क्या बोलते हैं, बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया। दूसरा नाम क्या आपका, दूसरा है मानसी। कौन सी? सी मानसी पारेख। इनको कौन सी मूवी के लिए दिया गया, तो आपको बताना है कच्छ एक्सप्रेस, कच्छ एक्सप्रेस। यस, दोनों की बात कर ली हमने कि बेस्ट एक्टर्स कौन है 2024 के, तो आपको बताना है नित्या मेनन जिनको थीरु चित्रांबलम मूवी के लिए दिया गया। दूसरी बात करते हैं मानसी पारेख के लिए, तो आपको बताना है कच्छ एक्सप्रेस के बारे में। आगे बात करने वाले हैं कि और क्या चीजें रहने वाली हैं, तो आपको अगली बात यह बताना है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स। यस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो आपको क्या बताना है, 2024 की बातें हो रही हैं, कब की साथियों, 2024 की, तो आपको बताना है वहां पे क्या, वहां पे आपके पवन मल्होत्रा जी हैं। कौन साथियों? पवन मल्होत्रा, ये आपके 2024 के सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं। अब बात करने वाले हैं कि एक्टर्स कौन है सपोर्टिंग एक्टर्स, सपोर्टिंग एक्टर्स।
सर सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो आपको बताना है कि सपोर्टिंग एक्टर्स कौन है, तो नीना गुप्ता जी हैं। कौन है? नीना गुप्ता जी हैं। बात करें कौन सी मूवी के लिए, तो बताना है ऊंचाई मूवी के लिए है। यस, आगे चले क्या? यस, आगे चलते नेक्स्ट स्लाइड पे, और क्या रहने वाली चीजें हैं। अब अगली बात क्या है कि आप हमें बताइए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया 2024 में, बेस्ट म्यूजिक अवार्ड, आपका बेस्ट म्यूजिक अवार्ड किसे दिया गया, तो आपको जो बताना है वो किनको दिया गया, वो हाँ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। तो किनको दिया गया 2024 में, तो आपको जो बताना है वो कौन है, एआर रहमान है। कौन है? एआर रहमान। ये आपके 2024 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और बात करने वाले हैं बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है, बेस्ट हिंदी हिंदी फिल्म कौन सी है, तो आपको बताना है गुलमोहर, बेस्ट हिंदी फिल्म फीचर अवार्ड। क्या है? बेस्ट, दोबारा लिख देता हूं, बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फीचर, हिंदी फीचर, हिंदी फीचर फिल्म अवार्ड। तो किन्हें दिया गया बेस्ट हिंदी फीचर अवार्ड, तो आपको साथियों क्या बताना है, गुलमोहर फिल्म को। कौन सी मोहर? गुलमोहर। यस, और क्या चीज रहने वाली है, आपको बताना है कि नेक्स्ट बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी है। क्या? बेस्ट पॉपुलर फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म। तो जहां पे आपसे पूछा जाता है कि बेस्ट पॉपुलर फिल्म है, तो आपको बताना है कांतारा। कौन सी तारा साथियों? तो कांतारा है, जिनको बेस्ट आपका पॉपुलर, सॉरी बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया कांतारा फिल्म को। और क्या चीजें रहने वाली हैं कि फिल्म फाइल 1969 में और क्या चीजों को दिया गया है। एक आपकी और दो चार चीजें और जुड़ी हुई है जो अपन यही ठीक करने वाले हैं। क्या है कि आपका 69th में फिल्म फायर अवार्ड 2024 की बात कर रहे हैं। क्या? 69th, सॉरी ये तो 70 हो गया ना। यस, तो 69 के कुछ सारे लोग थे जो 2023 के जो लोग थे उनको 2024 में अवार्ड दिया गया। यस, अनाउंसमेंट 2023 में हुई थी, अवार्ड उनको 2024 में मिले हैं। तो ऐसी दो से चार चीजें हैं जिनको अवार्ड अनाउंसमेंट की बात करें, अनाउंसमेंट की बात करें तो 2023 में, यस 69 भी बोल सकते हैं इसको। और यदि अवार्ड देने की बात आए कि डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड, तो आपको बताना है 2024 के अंदर किसमें, इसमें दिया गया 70वें के अंदर दिया गया। यस, अब कौन कौन सी फिल्म है, तो उनको जिनको दिया गया साथियों बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म, तो आपको बताना है ये दिया गया 12th फेल को। किसको? 12th फेल मूवी को दिया गया। अब बात करते हैं कि बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, बेस्ट एक्टर की बात करें तो आपको किनको दिया गया, ये रणवीर कपूर जी को। रणवीर कौन सी मूवी के, था बताना है एनिमल मूवी के लिए। आगे चलें क्या? अरे जल्दी जवाब दीजिए रसगुल्लो, आगे चलें क्या? यस, और क्या चीजें रहने वाली है, क्लास में जल्दी देखेंगे कि और क्या चीजें रहने वाली हैं। अगली स्लाइड पे देखेंगे कि और क्या चीजें हैं। अगली स्लाइड पे आपका ये है कि आपको बताना है कि बेस्ट एक्टर्स किनको दिया है। बेस्ट एक्टर्स हमने बात कर ली थी, आलिया भट्ट जी को दिया गया है। यस, और बेस्ट डायरेक्टर का हमने सब ये बातें कर ली हैं। अब आपका दूसरा अवार्ड एक होता आपका है दादा साहिब फाल्के, ये भी एक साथियों एक अवार्ड है। क्या है? दादा साहिब फाल्के, साहिब ये आपका एक अवार्ड है
दादा साहिब फाल्के। अब बात करने वाले हैं ये अवार्ड किन किन लोगों को मिला, तो आपको बताना है बेस्ट मूवी, क्या बेस्ट मूवी या बेस्ट फिल्म, कौन सी मूवी को दिया गया, तो ये आपको बताना है जवान मूवी को दिया गया। कौन सी? जवान मूवी को। और बात करने वाले हैं कि बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे इनके, बेस्ट डायरेक्टर, तो जहां पे बेस्ट डायरेक्टर की बात आती है वहां पे कौन है साथियों, संदीप रेड्डी जी हैं। कौन है? संदीप रेड्डी जी। ये ऐसे करके साथियों इसके अंदर है जो लोग हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड है उनमें इन्होंने क्या किया, आपका सपोर्ट किया है। अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर्स का, तो बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किनको दिया गया है, बेस्ट एक्टर्स। महिलाओं का अवार्ड किन्हें दिया गया, तो आपको बताना है रानी कौन सी मुखर्जी। यस, यहां तक की बात कर ली है, कौन कौन से अवार्ड हैं, कौन कौन सी ईयर में दिए गए हैं, क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली है। आज की क्लास में ओनली थ्योरी रहेगी और कल की क्लास में एमसीक्यू रहेंगे। क्या रहेंगे? एमसीक्यू रहेंगे। तो आपको चीजें कनेक्ट हो रही है क्या धीरे धीरे? अरे मुझे बताइए चीजें कनेक्ट हो रही है क्या? यस। अब बात करने वाले हैं इन सब का रिवीजन करेंगे कि कौन कौन सी चीजें कब कब दी गई। अब आपका आगे चलने वाले हैं, यस, एक अवार्ड और है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको दिया गया, तो आपको क्या बताना है इनके लिए जो है वहीदा रहमान है। कौन है? वहीदा रहमान जी को आपको दिया गया है साथियों, इनको दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यस, यहां तक की अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब चीजों को वापस से रिपीट करने वाले हैं, चीजें क्या रहेंगी आपके सामने रहेंगी दोस्तों। यस, पहली स्लाइड से बात करने वाले हैं क्या क्या चीजें रही हैं, थ्योरी में आइए आगे चलते हैं। यस, बात आती है सबसे पहले अवार्ड कब दिया गया, तो आपको बताना है 1954 के अंदर। यस, और जब बात करते हैं कि कौन सी मूवी को दिया गया, आपको बताना है होनर फिल्म को दिया गया, जो कि आपकी मराठी फिल्म थी। अगली स्लाइड में चलते हैं, क्या रहने वाला है कि आपको बताना है कि 69 फिल्म अवार्ड कब स्टार्ट हुए, तो आपको बताना है 2023 के अंदर। इनको नाम बोलते साथियों फिल्म फेयर अवार्ड, ये ओनली फिल्म में दिए जाते हैं, ओनली फिल्म के अंदर जाते हैं। यस, इसके अलावा और दूसरी जगह इनका यूज नहीं होता। अब बात करने वाले 2023 में 69 नंबर के बेस्ट फिल्म की बात करने, आपको बताना है रॉकेटरी फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर्स की बात करें तो आपको बताना है कौन, आलिया भट्ट जी को। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो आपको बताना है उल्लू अर्जुन जी। अगली स्लाइड बात करने वाले हैं क्या है, अगला क्या है, आलिया भट्ट जी को गंगूबाई काटीवाड़ी मूवी के लिए दिया गया है। और दूसरा आपका कीर्ति सनून, इनको किसके लिए दिया गया है, मिनी फिल्म के दिया गया है। अगली बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर की, तो आपका कौन है, निखिल महाजन जी, इनको गोदावरी फिल्म के लिए दिया गया है। किसके लिए? गोदावरी फिल्म के लिए। और ये कहां पे, एक मराठी मूवी है। यस, अगली स्लाइड में चलते, अगला क्या है आपके सामने, सपोर्टिंग एक्टर्स की बात, एक्टर की बात करते आपको बताना है पंकज त्रिपाठी जी हैं। जब बात करते हैं बेस्ट हिंदी फिल्म, तो आपको बताना है सरदार उधम सिंह को दिया गया है। यस, सरदार उधम सिंह जी मूवी को दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अगले किसने बात करने वाले हैं कि 70 आपका 70वां अवार्ड, 70वां नहीं है 70 है, 70 वाले बात कर रहे हैं कि 70 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड कब दिए गए, तो आपको बताना है 2024 के अंदर दिए गए हैं। यस, बेस्ट फीचर की बात करें तो आपको बताना है आटम मूवी के लिए दिया गया, ये आपकी मलयालम मूवी है। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो आपको बताना है ऋषभ शेट्टी जी हैं। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो आपको बताना है कौन, सूरज बड़जड़िया, इनको ऊंचाई मूवी के लिए दिया गया है। यस, ऊंचाई मूवी के लिए दिया गया है।
अब अगली बात करते हैं अगली स्लाइड पे कि बेस्ट एक्टर्स कौन है, तो आपको बताना है बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दो लोगों को दिया गया है। पहला आपका कौन सा है, नित्या मेनन जी है जिनको थिरु चित्रम्बलम मूवी के लिए दिया गया है, और मानसी पारख जी हैं जिनको कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स 2024, तो आपको बताना है कि पहला कौन है, पवन महाजन जी हैं मल्होत्रा जिनको दिया गया है, और सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो आपको बताना है नीना गुप्ता जी जिनको ऊंचाई फिल्म के लिए दिया गया है। अगली बात बताना है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, आपको बताना है, आपको चीजें धीरे धीरे बताते रहनी है। यस, एग्जामिनर को हर एक एंगल से जवाब देना है कि साथियों कि भाई तू पूछ तो सही, क्या बोला मैंने कि तू पूछ तो सही, हम हर एक चीज का जवाब देंगे तुझे और तू हमें नौकरी देगा। यस, अब बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की, तो आपको बताना है A.R. रहमान जी को दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म फीचर की बात करें तो आपको बताना है गुलमोहर फिल्म को दिया गया है, और बात करें बेस्ट पॉपुलर फिल्म तो आपको बताना है कांतारा फिल्म को। और अनाउंसमेंट कब हुआ, तो साथियों जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो आपके जो 69 में अवार्ड्स रह गए थे वो आपके 2024 में दिए गए हैं। यस, अनाउंसमेंट की बात करें तो आपको 2023 बताना है, यदि आपसे पूछे डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो 2024 में बताना है। तो पहली बात करते हैं कि बेस्ट फिल्म का 12th फिल्म को दिया गया, 12th फेल को दिया गया। बेस्ट एक्टर का तो रणवीर कपूर जी को एनिमल मूवी के लिए दिया गया, और आपका दादा साहिब फाल्के अवार्ड है, ये भी एक आपका फिल्म इंडस्ट्री में देने वाला अवार्ड है। यस, ये कब दिया गया, बेस्ट फिल्म की बात करें तो जवान मूवी को दिया गया, बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो संदीप रेड्डी को दिया गया, और बेस्ट एक्टर्स की बात करें तो रानी मुखर्जी को दिया गया। यस, तो बहुत सारे अवार्ड हैं, बहुत सारे लोगों को मिले साथियों। अब आगे बात करने वाले और क्या रहने वाले हैं कि बताइए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो आपको बताना है वहीदा रहमान जी को। तो अपने जहां तक की अपनी बातें बन रही थी, अपने मेडिकल में जहां तक इसकी बातें बनी थी वहां तक हमने सारी बातें कर ली हैं, यहां तक कि हमने सारी बातें कर ली हैं। यस, अरे उधर से रेस्पॉन्स कीजिए, क्लास कैसी लग रही है, सारी बातें हमने क्लास के अंदर कर ली हैं कि क्या क्या चीजें रहने वाली हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाले हैं। जितने भी MCQ हैं इसके हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि क्या क्या MCQ रहने वाले हैं और किस किस चीज से रिलेटेड रहने वाले हैं, और इनमें काफी सारे क्वेश्चन आपको बाकी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे MCQ प्रैक्टिस के अंदर। कहाँ पे, MCQ प्रैक्टिस के अंदर। तो यहाँ तक की बात हमारी समाप्त होती है। आपको बता दें TSL ने एक नया बैच स्टार्ट किया है, बैच नंबर 31, जिसकी डेमो क्लासेस 9 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। यस, 3 दिन का डेमो रहेगा, उसके बाद रूटीन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और क्या चीजें रहने वाली हैं, और चीजों की बात करें तो क्लासेस साथियों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से रहेंगी। फीस की बात करें तो 8,000 रुपये ऑनलाइन की फीस है और 16,000 रुपये ऑफलाइन की फीस है, काफी कम कर दी है, पहले हमारी फीस 20,000 रुपये थी। यस, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, और आप सब लोग दिन सुबह और आप धीरे धीरे चीजों से जुड़े रहें। तो आज के लिए साथियों इतना ही, जय हिंद जय भारत। तो सारी बातें कर ली हमने, जहां तक हमारी लाइक थी कि थ्योरी की बातें करें तो थ्योरी की बातें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो साथियों कल हम वापस से प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके MCQ पे, क्या MCQ क्या क्या रहने वाले हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।